जाखल मंडी के में जो बूथ लगे हैं जो कि 15, 16, 18 और 19, यहाँ पर फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी तरीके कोई अप्रिय घटना ना हो, वो तस्वीरें जिस तरीके से बयां कर रही है। इसके अलावा हमारा लगातार सिलसिला जारी रहेगा कि किस तरीके से क्या कुछ हालात है यहाँ पर पोलिंग बूथ में, किस तरीके से मतदान आगे चल रहा है, ये आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जुड़े रही A1 हरियाणा के साथ। क्या सोचकर वोट करके आए? वोट हम शैलजा जी को पाके आए हैं, बहन शैलजा जी को। हमारा विकास होगा, पहले भी इन्होंने बढ़िया विकास किया है, इसीलिए इनको पाके हैं। जाखल का जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर का संस्कृति स्कूल है, यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं, 15, 16, 18 और 19। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ स्कूल में आएंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब आएंगे स्कूल के अंदर तो सामने आपको मिलेगा बूथ नंबर 15। इसके अलावा यहाँ पर आगे देखेंगे आप बूथ नंबर 18 है, उसके बाद 19 है, और इसके अलावा जो 16 नंबर बूथ है वो आपको सामने मिलेगा ग्राउंड के, जो बास्केटबॉल ग्राउंड है उसके सामने। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान जारी है और इस तरीके से किसी तरीके को परेशानी ना हो, इसके लिए जो वोटर सहायता कक्ष बनाए गए हैं और यह पुलिस के सुरक्षा इंतजाम देखे जा सकते हैं। लोग भी आ रहे हैं सुबह से और पुलिस गश्त भी लगातार कर रही है, और जिस तरीके देख से कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए, अच्छी खासी तादाद पुलिसकर्मियों की यहाँ पर देखी जा सकती है। SHO कुलदीप सिंह मेरे साथ है। सर, आज मतदान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि आज किस तरीके से पुलिस की क्या कुछ तैयारी है? पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हैं, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटने जाएगी। जितने भी मतदाता हैं वो अपना मतदान खुशी खुशी निडर होकर करेंगे। जी, ये बताइए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितना सुरक्षा बल तैनात है पर बूथ पे? पर बूथ पे जो है 3-3, 4-4 कर्मचारी लगाए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टी अलग से है, जी। मैं खुद हूँ, DSP साहब की, SP साहब की अलग से रिजर्व है, और पुलिस जो है चारों तरफ अपना पहरा दी हुई। अगर कोई अप्रिय घटना होती है उसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? कोई भी अगर अप्रिय घटना होने का संदेशा या संदेशा मिलता है जी। तो 10 मिनट में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी और सारी जो पुलिस आसपास है वो उपलब्ध हो जाएगी। जी, तो आज जैसे मतदान है, बहुत सभी को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनता को ये संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो भी किसी के भविष्य का पालना कर सके कि उसका भविष्य कैसे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।